मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में पिछले 6 साल में देश बदल रहा है। अब पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है। अब भारत का शुमार दुनिया के अग्रणी देशों में होता है। ऐसे में आप भी जीवन में पिछलग्गू बनने की बजाय नज़ीर बने। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को महाराणा प्रताप MP शिक्षा परिषद के 28वें संस्थापक सप्ताह समारोह के समापन अवसर पर कार्यक्रम के अध्यक्षता करते हुए ये बातें कहीं। महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज परिसर में आयोजित समारोह में CM योगी ने कहा कि खुद को समाज और देश के लिए बोझ नहीं उपयोगी बनाएं। शिक्षण संस्थाएं टीम भावना के साथ ऐसा करें तो यह संभव है। परिषद से जुड़े सभी लोग, बच्चे, शिक्षक और अभिभावक परिषद के शताब्दी वर्ष तक इसी को लक्ष्य बनाकर इसके लिए खुद संस्था और पूरे प्रदेश को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम करना होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का भी यही मकसद है। यकीनन आप सारे लोग ऐसा करेंगे तो आने वाले समय में यह परिषद उत्तर भारत का श्रेष्ठतम शिक्षण संस्थान बनेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना के अभूतपूर्व संकट में प्रधानमंत्री की अगुवाई में जो असाधारण कार्य हुए वह तकनीकी से ही संभव थे। आप भी तकनीकी से जुड़ें, इसका बेहतर उपयोग करें। उन्होंने कहा कि जनवरी तक कोरोना की वैक्सीन आ जाएगी, तब तक कोविड प्रोटोकॉल के मानकों का पहले जैसे ही अनुपालन करें। CM ने कहा कि चुनौतियों को अवसर और असफलता को सफलता में बदलने वाला ही जीवन में सफल होता है। आप भी हर चुनौती में अवसर व असफलता में सफलता तलाशें, सफलता आपके कदम चूमेगी। संस्थापक सप्ताह समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने कहा कि गुलामी के कालखंड को छोड़ दें तो भारत वैदिक काल से ही ज्ञान पिपाशु रहा है, इसी नाते उसे विश्व गुरु का दर्जा हासिल था। गोरक्ष नगरी का इसमें बेहद महत्वपूर्ण योगदान रहा, यह परंपरा अब भी जारी है। शिक्षा ही संसार और समाज को सुंदर बनाने का जरिया है। MP शिक्षा परिषद 1932 से यही कर रहा है। परिषद अपनी संस्थाओं में किताबी ज्ञान के साथ संस्कार भी देता है, ऐसा संस्कार जिससे बच्चों में अपने संपन्न इतिहास, परंपरा, संस्कृति और देश प्रेम की प्रति जज्बा और जुनून जगता है। ऐसे बच्चे ही देश और समाज में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देते हैं। इससे सशक्त और श्रेष्ठ भारत का सपना साकार होगा। देश के अन्य शिक्षण संस्थानों के लिए भी परिषद के कार्य नज़ीर हैं। विशिष्ट अतिथि प्रदेश के जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने कहा कि शिक्षा हर समस्या का हल है। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद 1932 से यही कर रहा है। उन्होंने CM योगी की अगुवाई में हुए विकास के रिकॉर्ड कार्यों की सराहना की। कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल RP शाही, दिगंबर अखाड़ा अयोध्या के महंत सुरेश दास, स्वामी राघवाचार्य देवीपाटन शक्तिपीठ के महंत योगी मिथिलेश दास, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र दुबे, राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर राम अचल सिंह, वाराणसी से आए संत संतोष दास, सांसद रवि किशन, जयप्रकाश निषाद, विधायक फतेह बहादुर सिंह, महेंद्र पाल सिंह, शीतल पांडे, संगीता यादव, राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अंजू चौधरी आदि उपस्थित रहीं। अतिथियों का स्वागत MP शिक्षा परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर UP सिंह ने किया। धर्मी यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य महाराज से विशिष्ट अतिथि के रूप में दिगंबर अखाड़ा अयोध्या से स्वास्थ्य की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद मिलता रहता है ऐसे स्वनाम धन शक्तिपीठ तुलसीपुर बलरामपुर से पधारेंगे कुलपति प्रोफेसर रामचंद्र सिंह साहब का सानिध्य। कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र दुबे जी उत्तर हम सब के मानी जनप्रतिनिधियों, शिक्षा, सुरक्षा, अध्यात्म, दर्शन, ये दुनिया के नामचीन हस्ताक्षर, सशक्त हस्ताक्षर, परम पूज्य गोरक्ष पीठाधीश्वर और उत्तर प्रदेश के यशस्वी, ओजस्वी, तपस्वी और मनस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में मंच पर सादर अभिनंदन, जोरदार तालियों से अभिनंदन। महाराष्ट्र का शिक्षा परिषद के रूप में रौनक और ऊर्जा के अनुरूप तालियों की गड़गड़ाहट अपने संगठनों और मित्रजनों का मंच पर विराजमान होने से पूर्व सर्वप्रथम पुष्पांजलि अपने श्रेष्ठ जनों को, सब संतजनों को जिनके मार्गदर्शन में महाराष्ट्र का शिक्षा परिषद उत्तरोत्तर पुष्पित और प्रलेवित हो रहा है। लेकिन सर्वप्रथम पुष्पांजलि का कार्यक्रम
महायोगी गुरु गोरक्षनाथ, विद्या की अधिष्ठात्री माँ सरस्वती, त्याग और बलिदान के प्रतीक हिंदुआ सूर्य महाराणा प्रताप तथा ब्रह्मवीर महान दिव्यनाथ जी महाराज एवं ब्रह्मवीर महान अवैधनाथ जी महाराज पूर्व गोरक्ष पीठाधीश्वर द्वय हमारे पीठाधीश्वर पूज्य महाराज श्री श्री मुख्यमंत्री माननीय महाराज श्री मुख्य अतिथि के रूप में मंच पर विराजमान हो रहे हैं विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री हृदय नारायण महान जी महाराज, उत्तर प्रदेश सरकार में माननीय जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी विशेष अतिथि के रूप में, सुरक्षा क्षेत्र से विशिष्ट अतिथि के रूप में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के आदरणीय अध्यक्ष एवं वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर विद्यालय का प्रमुख सिद्धार्थ नगर के पूर्वज प्रोफेसर सुरेंद्र दुबे जी, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, सतवा बाबा आश्रम वाराणसी से पधारे महामंडलेश्वर उनके छात्र समुदाय की ओर से, शिक्षक समुदाय की ओर से, मास्टर की ओर से मंच पर सभी सम्मानित अतिथियों का सादर वंदन अभिनंदन और अभिवादन। नव सृजित नव निर्मित मंच पर हमारे अध्यक्ष प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह झा द्वारा हम सब की ओर से पूज्य महाराज जी का अभिनंदन और स्वागत उत्तरीय उत्तरीय प्रदान कर जिनका आशीर्वाद महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के छात्र सप्ताह महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की सभी संस्थाओं की ओर से भावपूर्ण स्वागत अभिनंदन। सर थोड़ा सा नीचे सर सर्व सुगम सरल संत हृदय महान सुरेश दास जी महाराज के वचन जिनका सानिध्य जिनका आशीर्वाद हम सबको ऐसे सरल और सहज संत प्रधानाचार्य महाराज का अभिनंदन, डॉक्टर अरुण कुमार सिंह जी प्रधानाचार्य महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज की सभी संस्थाओं की ओर से प्रतीक उपाध्यक्ष पूर्व सैन्य अधिकारी इसी मिट्टी के सपूत माननीय लेफ्टिनेंट जनरल शाही श्री प्रमोद नाथ मिश्र जी हमारे महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के सम्मानित विश्व में प्रसाद तीन पाठ्य पुस्तकों का विमोचन उत्पादन प्रबंधन दूसरा उत्पादन प्रौद्योगिकी तीन पुस्तकें कुछ लोग कह रहे हैं कि थोड़ा कोहरा है लेकिन उन कोहरे और बादलों के बीच से भगवान सूर्य देखने की कोशिश कर रहे हैं और वो देखना क्या चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं कि मेरा जो अंश है जो मंच पर विराजमान है और जिसके हाथ में उत्तर प्रदेश की कमान है और भगवान सूर्य के जो 12 नाम है उसमें जो पहला नाम आता है उस पहले नाम को अगर हम व्याख्यायित करें तो हम लोग कहते हैं आदित्य प्रथम नाम आदि द्वितीय अंत दिवाकर तृतीय भास्कर प्रोक्तु चतुर्थम प्रभाकर पंचम सहस्राष्टकम च त्रिलोचन सप्तम हृदय षष्ठम च विभावश नवम दिके दशमम द्वादशकम एकादश त्रय मूर्ति द्वादशम सूर्यो च भगवान सूर्य के 12 नाम लेते हैं और इस धरती का कोई पहला गुरु अगर हुआ तो भगवान सूर्य है।
क्योंकि जो प्रकाश दे वही तो वास्तविक गुरु है, और उस वास्तविक गुरु के अंश के रूप में जिन्होंने उत्तर प्रदेश का चतुर्दिक विकास करने का संकल्प लिया है, गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर है, प्रभु की कृपा है। लोग कहते भगवा, मैं कहता हूं सूर्य भी जब निकलता है तो भगवा कलर में रहता है। भगवान के रथ पर भी भगवा कलर था, भगवान कृष्ण के भी रथ पर भगवा कलर था, स्वामी विवेकानंद जी भी जब शिकागो में पहुंचे तो उनके सर पर भी भगवा कलर था, और हमारे मुख्यमंत्री जिन्होंने उत्तर प्रदेश बदल रहा, जिनके नेतृत्व में तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, और मैं गौरवान्वित हूं। मुझको गर्व और गौरव की अनुभूति हो रही है। कहते आदर्श मुख्यमंत्री के कैबिनेट में मैं भी एक छोटा सा मंत्री के रूप में काम करने का मुझको भी अवसर प्राप्त हुआ है। मैं अगर कहूं कि वास्तव में मेरा उत्तर प्रदेश तो उत्तर प्रदेश की संस्कृति, उत्तर प्रदेश की सभ्यता, उत्तर प्रदेश का संस्कार, भारत की संस्कृति और सभ्यता और संस्कार, ये सब कुछ अगर निहित है किसी में, और जिनके नेतृत्व में हम सब लोग आज काम कर रहे हैं, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, हम सबके प्रेरणा स्रोत यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के श्रीचरणों में प्रणाम करता हूं। और आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि अद्भुत संयोग है, लोग कहते हैं जिनकी लेखनी भी बोलती है, जिनके वाणी में बहुत कम है, शब्द को ब्रह्म कहा गया है, वर्ण वर्ण मिलकर के अक्षर और अक्षर अक्षर मिलकर के शब्द और शब्द शब्द मिलकर के वाक्य 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 मिलकर के पद पद मिलकर के सोपान सोपान से भावार्थ और सारांश और उसका दिव्य स्वरूप देखना हो आदरणीय हृदय नारायण दीक्षित जी की तरफ आप देखें, आपको दिखाई पड़ेगा। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय हृदय नारायण दीक्षित जी, और जिन हमारे मित्र हैं, हमारे भाई हैं, हम लोग बरसों से पिछले 30-32 सालों से साथ साथ मिलकर के काम कर रहे हैं, जिनकी सालिनता, जिनकी सौम्यता, जिनका कुशल संगठन, जिनका परिश्रम अद्वितीय है, ऐसे हमारे भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रिय अध्यक्ष आदरणीय भाई स्वतंत्र देव सिंह जी, महंत जी, आदरणीय महंत जी को मैं देख रहा था, उनको देख करके आई तो मैं उनकी नहीं जानता, लेकिन जब जय श्री राम का नारा लगा रहे थे तो वैसे भी प्रभु के नाम में बहुत कम है, वो 18 साल के नजर आ रहे थे, ऐसे आदरणीय संत महंत सुरेश दास जी महाराज, और आदरणीय रघुराजी महाराज, आदरणीय जनरल साहब, हमारे नीचे बैठे हुए आदरणीय जयप्रकाश जी, आदरणीय जी, आदरणीय बहादुर सिंह जी, आदरणीय महेंद्र पाल जी, सभी आदरणीय शिक्षकगण, सभी आदरणीय संतगण, सभी हमारे प्रिय प्यारे विद्यार्थियों, मेरे पास शब्द नहीं है क्योंकि महान लोग संत पर मंच पर विराजमान है, और मुझको लगता है कि शिक्षा परिषद की स्थापना दिव्य और भव्य कार्यक्रम के अध्यक्ष, इस पीठ के पीठाधीश्वर, देश के कोने कोने जिनका यह शौकीन जिसे सुनने के लिए, देखने के लिए देश के कोने कोने के लोग आतुर रहते हैं, ऐसे आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी, अभी हम लोगों ने माननीय महेंद्र जी का उद्बोधन सुना है, और उन्होंने तमाम अंकगणित के सूत्रों द्वारा हम लोगों को लाभान्वित किया है, ऐसे सुयोग्य सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता आदरणीय महेंद्र जी, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष विद्यमान विराजमान आदरणीय स्वतंत्र जी, इस कार्यक्रम में ढेर सारे शिक्षाविद विद्वान अपने अपने क्षेत्रों के प्रतिष्ठित महानुभाव बैठे हुए हैं, ऐसे सभी प्रतिष्ठित महानुभाव आदरणीय संत माननीय सांसद रवि किशन जी, माननीय सांसद जयप्रकाश जी, माननीय विधायक बहादुर सिंह जी, महेंद्र जी, महेंद्र पाल सिंह जी, अनेक इस अवसर पर उपस्थित
सभी श्रद्धेय आदरणीय प्रिय महानुभाव, मैं राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ और कई समाचार पत्रों में थोड़ा बहुत लिखता रहा हूँ। किसी राजनीतिक कार्यकर्ता को मुख्य अतिथि बनाने का नियुक्ता मिले तो कैसा लगेगा राजनीतिक कार्यकर्ता जानते हैं, और मुझे आदरणीय योगी जी कोई न कोई अवसर निकाल लेते हैं जहाँ पर वह हमारा सम्मान बढ़ाते हैं। मैं उनके इस स्नेह के प्रति, उनके द्वारा समय समय पर व्यक्त किए गए आदर के प्रति कृतज्ञ हूँ। आज का ये कार्यक्रम कई दृष्टि से अनूठा है, मेरे लिए तो बहुत अनूठा है। मैं इस कार्यक्रम की दृष्टि से दो तीन बातें आज के आयोजन की दृष्टि से कहूँगा संक्षेप में। पहला, ज्ञान को लेकर भारत के राष्ट्र जीवन में ऋग्वैदिक काल और उसके पहले से बड़ी गहन अभिप्सा है, बहुत प्यास रही है यहाँ के राष्ट्र जीवन में ज्ञान को लेकर, और यह ज्ञान साधारण ज्ञान नहीं है कि हम उत्तर प्रदेश के सभी जिलों का नाम जान जाएं कि ये ज्ञान हो गया। इसे हमारे पूर्वजों ने तत्व ज्ञान कहा, और जो तत्व ज्ञानी है उसका उसकी अभिव्यक्ति कैसी होती है, मैं खुद सवाल उठा रहा हूँ। गुरु गोरखनाथ जी की वाणी में से दो शब्द मैं प्रयोग कर रहा हूँ, अनेख लेखंत अदेख देखंत। बताते हैं कि ज्ञानी जो दूसरे लोग देख नहीं पाते उसे देख लेता है, अदेख देखंत। और बताते हैं ज्ञानी जो दूसरे लोग लिख नहीं सकते वो लिख लेता है। बताते हैं कि ज्ञानी जो दूसरे लोग स्पर्श नहीं कर पाते वो स्पर्श कर लेता है। ये भारत की ज्ञान परंपरा है, और इस ज्ञान परंपरा के चलते भारत सारी दुनिया का गुरु कहा जाता था, और इस ज्ञान परंपरा को लेकर भारत के लोगों में गर्व है। लेकिन बीच में स्वतंत्र भारत तक ज्ञान परंपरा को लेकर, स्वतंत्रता मिलने तक भारतीय राष्ट्रभाव को लेकर, भारतीय संस्कृति दर्शन धर्म रीति प्रीति को लेकर बड़ा आग्रह था। स्वाधीनता के बाद यह आग्रह घटता चला गया, और एक ऐसे कथित पढ़े लिखे समुदाय का विकास हुआ जो भारतीय संस्कृति धर्म दर्शन परंपरा को ही गारा से देखता था लिखता था यही, और इस आधार पर सारी दुनिया को यहाँ के छद्म प्रगतिशील और कथित विद्वानों ने सारी दुनिया को भारत के बारे में यही बताया कि भारत में प्राप्त किए जाने योग्य कोई ज्ञान धारा नहीं है, भारत का दर्शन भाववादी है, इसमें तर्क नहीं है। गाय
हमारे पूर्वजों द्वारा खाई जाती थी, ऐसा लिखने वाले लेखक पूरी संस्कृति की धारा को नष्ट करने वाले लेखक और विद्वान, कथित विद्वान, उन्होंने भारत की एक बहुत वैसी छवि दुनिया में प्रस्तुत की थी। लेकिन इसके समानांतर भी एक धारा चल रही थी जो भारतीय दर्शन, ज्ञान विज्ञान प्रज्ञान उसे पोषित कर रही थी। ये धारा एक अनूठी धारा थी। अपने जीवन के एक एक क्षण को राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र सेवा के संविधा के रूप में प्रस्तुत करने वाले परम पूज्य गोरक्षपीठाधीश्वर उत्तर प्रदेश के यशस्वी ओजस्वी मनस्वी तपस्वी और प्रयोग धर्मी मुख्यमंत्री, जिनके प्रयोगों को केंद्र सरकार अपना रही है, ऐसे हम सब के अभिभावक मार्गदर्शक अनंत ऊर्जा के स्रोत पूज्य महाराज श्री, मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूँ हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए, आशीर्वचन के लिए। पूज्य महाराज श्री महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद संस्थापक सप्ताह समारोह के आज के इस मुख्य समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित उत्तर प्रदेश विधानसभा के माननीय अध्यक्ष, सुविख्यात साहित्यकार और जिन्होंने भारत के वेदों की परंपरा को, उपनिषदों की परंपरा को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में समाज के सामने प्रस्तुत करने में एक बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है, आज हम सबके बीच में उपस्थित हुए हैं। मैं महाप्रताप शिक्षा परिषद के इस मुख्य महोत्सव के इस कार्यक्रम में माननीय अध्यक्ष जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, आप सब की ओर से स्वागत करता हूं। आज के समारोह में हमारे साथ उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, जिन्होंने निरंतर एक विचार प्रवाह के साथ चलते हुए अपना पूरा जीवन समर्पित किया है इस समाज के लिए, इस राष्ट्र के लिए, और आज के समारोह में महाप्रताप शिक्षा परिषद से जुड़े हुए हमारे आचार्यों का, छात्र छात्राओं का यह सौभाग्य है कि आज भी हमारे समारोह में हम सब के बीच में उपस्थित हैं। माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी का, जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी राघवाचार्य जी महाराज अयोध्या धाम से पधारे हैं, आज इस समारोह में हमारे बीच में उपस्थित हैं। दिगंबर खड़ा अयोध्या के श्री महंत सुरेश दास जी महाराज, जिनका उद्बोधन आप सबको सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है। महामंडलेश्वर महंत संतोष दास जी महाराज काशी से, सतवा बाबा आश्रम काशी से हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। उनका हृदय से मैं अभिनंदन करता हूँ। आज के समारोह में जिनका अद्भुत उद्बोधन आप सबको प्राप्त हुआ है, प्रदेश के जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी का, पिछली बार जल संरक्षण के लिए कार्यक्रम में वे आए थे और उन्होंने जल संरक्षण के साथ साथ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की हर घर नल की योजना को प्रदेश के सबसे दुर्गम क्षेत्रों के लिए लागू करवा दिया है, बुंदेलखंड में भी और विंध्य क्षेत्र में भी। आज हमारे बीच में यहाँ पर इस मंच में उनका उद्बोधन आप सबको प्राप्त हुआ है। प्रदेश में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल आर पी साही जी, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी, देवीपाटन के महंत जी श्री महेंद्र मिथिलेश नाथ जी, माना प्रताप शिक्षा परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर यूपी सिंह जी, पूर्व कुलपति प्रोफेसर रामचंद्र सिंह जी, माननीय सांसद श्री रविकिशन जी, माननीय सांसद जयप्रकाश निषाद जी, माननीय विधायक श्री महेंद्र पाल सिंह जी,
माननीय विधायक सीता पांडे जी, माननीय विधायक श्री फतेह बहादुर सिंह जी, माननीय विधायक संगीता यादव जी, महिला आयोग उत्तर प्रदेश की उपाध्यक्ष श्रीमती अंजू चौधरी जी, कालीबाड़ी के मोहन जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, आज के समारोह में उपस्थित सभी हमारे गणमान्य अतिथिगण, माणा प्रताप शिक्षा परिषद के सभी पदाधिकारी और विभिन्न संस्थाओं के प्राचार्य, आचार्य, प्रधानाचार्य और अन्य सभी अभिभावकगण और प्यारे बच्चों, कोरोना कालखंड में ये समारोह हो पाएगा ये वास्तव में ये माणा प्रताप शिक्षा परिषद के पदाधिकारियों के सामने एक चुनौती रही होगी, लेकिन उस सब के बावजूद याद रखना, हर विपत्ति आपको एक अवसर भी देती है और हर सफलता आपके सामने एक चुनौती भी देती है, और इन दोनों के बीच में जो समन्वय बना के चलता है वही जीवन में सफलता की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। और यह कार्य आप सब ने भी, जैसे यह देश कोरोना कालखंड में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जूझते हुए, चुनौतियों का सामना करते हुए, वहां से राह बनाते हुए सफलता की एक नई ऊंचाइयों से संतुष्टि प्राप्त कर रहा है, हर एक क्षेत्र के लिए कुछ ना कुछ नयापन देखने को मिला है। ऐसे ही माणा प्रताप शिक्षा परिषद ने, शासन ने, प्रशासन ने जो भी कार्य योजना तैयार की उन सब का पालन करते हुए हम कोरोना से भी लड़ेंगे, लेकिन शिक्षा जगत की चुनौतियों का भी सफलतापूर्वक सामना करते हुए अपने सामान्य कार्यक्रमों को कोरोना के संक्रमण से बचाते हुए सकुशल संपन्न करेंगे। और आज का यह समारोह उसी कुशलता का, उसी सफलता का एक आदर्श उदाहरण बन रहा है, जिसमें लगभग 600 से ऊपर छात्र छात्राओं को पुरस्कार और स्कॉलरशिप भी यहाँ पर प्रदान करने अभी हमारे मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथियों के हाथों से उपलब्ध होगी। तो सफलतापूर्वक आयोजित होने वाले समारोह अपने आप में इस कहानी को यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा है। मैं इसके लिए माणा प्रताप शिक्षा परिषद के सभी पदाधिकारियों को, माणा प्रताप शिक्षा परिषद से जुड़े हुए जितने भी हमारे प्रधानाचार्यगण हैं, जितने भी उनके सहयोगी आचार्यगण हैं, जितने भी छात्र छात्राएं हैं, उन सबको हृदय से मैं बधाई देता हूं। आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। यह वर्ष हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। माणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज, जिन्होंने 1932 में माणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना की थी, यह वर्ष उनकी 125वीं जन्म जयंती का वर्ष भी है। और साथ साथ मेरे पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन वृक्ष पीताधीश्वर पूज्य महंत अभिद्यनाथ जी महाराज का शताब्दी वर्ष का भी आयोजन महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद गोरखपीठ की ओर से अलग अलग आयोजनों के माध्यम से संपन्न हुए हैं। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद, हम लोग यहाँ पर अक्सर इस प्रांगण में न केवल महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के बल्कि हमारे विचार प्रवाह से जुड़े हुए सभी संगठनों के कार्यक्रम भी हुआ करते थे। और मंच कैसे बनना है, कब बनना है, क्या होगा, कैसे होगा, इन सब झंझावतों से ऊपर उठाते हुए माणा प्रताप इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य ने और उनकी पूरी टीम ने माणा प्रताप शिक्षा परिषद के साथ मिलकर के इस 125 वर्ष और 100 वर्ष के इस विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के दौरान
गोरखपुर के वासियों को एक भव्य मंच भी प्रदान किया है। मुझे लगता है कि एक सप्ताह में हमारा दूसरा कार्यक्रम इस मंच पर हो रहा है, तो मैं उस पूरी टीम को भी इस अवसर पर बधाई देता हूं और हृदय से धन्यवाद भी देता हूं, क्योंकि इस मंच का उपयोग तो हम ही लोग बार बार करते रहेंगे, इसलिए एक अच्छा मंच देने के लिए भी मैं उन्हें हृदय से धन्यवाद देता हूं, अपनी बधाई देता हूं। और संस्थाएं इसी प्रकार से आगे बढ़ती रहें, इसकी शुभकामनाएं भी देता हूं। याद रखना, हमारे यहाँ हमारे पूर्वजों ने हमारे पूरे जीवन को पाप और पुण्य को शब्दों में जोड़ करके रखा है। ये मान्यता है कि हम अच्छा करेंगे तो हमें पुण्य प्राप्त होगा, बुरा करेंगे तो पाप की भागीदार बनेंगे। और ये हर एक व्यक्ति के जीवन में भी यही सत्य होता है। आपका जीवन आपके कर्मों से अगर आगे बढ़ता है, आपके कृतित्व से आगे बढ़ता है, आप अपने लक्ष्य को यशस्वी बनाते हैं, तो वह न केवल आपके लिए बल्कि जिस संस्थान से आप जुड़े होते हैं उस संस्थान के लिए, आपके सहयोगियों के लिए और समाज के लिए वह एक प्रेरणा होती है, एक नया मार्गदर्शन होता है आगे बढ़ने के लिए। उनके सामने ढेर सारे अवसर होते हैं, लेकिन अगर आपका कृतित्व ऐसा है कि जो आपके लिए स्वयं के लिए बोझा बन जाए, तो उस बोझे को लोग फिर स्वयं के लिए भी बोझा मानने लगते हैं। और मुझे लगता है कि वह व्यक्ति अपने लिए भी, समाज के लिए भी और पूरे देश के लिए भी बोझा बन जाता है। संस्थाओं के साथ भी ये बातें होती हैं। संस्था का जो प्रमुख है, वहां का प्रधानाचार्य होगा, प्राचार्य होगा, प्रभारी होगा, उनकी जो टीम है आचार्यों की, शिक्षकों की, अभिभावक और छात्र, ये सभी मिलकर के एक साथ जिस एक टीम का गठन करते हैं, ये टीम अगर एक साथ मिलकर के उस संस्था को एक नई ऊंचाई के रूप में आगे बढ़ाना चाहते हो, तो संस्था यशस्वी बनेगी। यशस्वी बनेगी तो न केवल आत्मसंतुष्टि की अनुभूति उन संस्था से जुड़े हुए सभी लोगों के अंतःकरण में होगा, बल्कि जो भी उस संस्था के संपर्क में आएगा, उसके साथ जुड़ेगा, उसे स्वतः आत्मसंतुष्टि की अनुभूति भी होगी और वह अन्य लोगों के लिए भी उसे उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करने के लिए बार बार उसका नाम लेगा। उस एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें कार्य करना होगा। याद रखना, जीवन में हमारा जो सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए, कैसे हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने कृतित्व के माध्यम से स्वयं को, अपनी संस्था को, अपने आसपास के प्रवेश को यशस्वी बना सके, प्रेरणादायी बना सके, लोग उसका अनुसरण कर सके, इस प्रकार का बना सके। और महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के सामने चुनौती, विभिन्न संस्थाओं के सामने चुनौती निरंतर बनी रहेगी। आज देश बहुत अच्छी दिशा की ओर बढ़ा है, दुनिया भारत का अनुसरण करते हुए दिखाई दे रही है। आज से 5-7 वर्ष पहले दुनिया में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या है, यूरोप में क्या है, वह भारत उधर देखता था, और आज यूरोप और अमेरिका में इस बात को देखा जा रहा है कि भारत क्या कर रहा है, हम भी उसका अनुसरण कर सकें, उसके लोग बन सकें। ये नेतृत्व पर निर्भर करता है, हम किस लोग बनेंगे
या अपने व्यक्तित्व और कृतित्व से ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करेंगे कि लोग हमारा अनुसरण करते हुए दिखाई देंगे। अगर देश के अंदर यह हो सकता है तो फिर देश के भविष्य का निर्माण तो इन्हीं संस्थाओं से होना है। संस्थाओं के माध्यम से क्यों नहीं हो सकता? हर एक संस्था अगर इस संकल्प के साथ आगे बढ़ेगी तो निश्चित ही देखते ही देखते भारत हर एक क्षेत्र में विश्व गुरु के रूप में पुनर्स्थापित होने में उसे कोई देर नहीं लगेगी और राष्ट्रीय शिक्षा नीति उस दिशा में आप सबका आह्वान कर रही है। भारत ने जो वर्तमान में नई शिक्षा नीति के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस देश के अंदर लागू की है, मैंने 4 दिसंबर को भी आपसे कहा था हर एक विद्यालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उस ड्राफ्ट को अपने यहां ले, विद्यालय के वरिष्ठ शिक्षकों की एक टीम उसके अध्ययन के लिए लगाए और फिर उन चीजों को देखें कि शिक्षा केवल एक सैद्धांतिक पक्ष नहीं बल्कि उसके व्यावहारिक पक्ष भी है और व्यावहारिक पक्ष क्या है और कैसी आपकी उसमें भूमिका होने जा रही है। अगर आप सभी इस दिशा में प्रयास प्रारंभ कर लेंगे, मेरा ये मानना है कि जब 2031-32 में महाप्रताप शिक्षा परिषद के 100 वर्ष पूर्ण हो रहे होंगे तब महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद न केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश में बल्कि उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत का एक आदर्श संस्थान शिक्षण संस्थान के रूप में ढेर सारी संस्थाओं की प्रेरणा का केंद्र बिंदु बन चुका होगा। लेकिन इसके लिए इस शुरुआत एक एक संस्था को, एक एक प्रधानाचार्य को, एक एक आचार्य को और इससे जुड़े हुए प्रत्येक छात्र छात्रा को स्वयं से इस भूमिका के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। मैं आज के इस अवसर पर इस कोरोना कालखंड में भी सरकार के द्वारा निर्धारित जितने भी प्रोटोकॉल हैं, जितने गाइडलाइन थी, उन सबका पालन करते हुए आपने कुछ कार्यक्रम आयोजित किए। जो अनेक प्रकार के कार्यक्रम होते थे वे सभी संभव नहीं थे, लेकिन फिर भी कुछ कार्यक्रम आयोजित किए हैं। वह सभी आयोजनों के लिए मैं महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद को, उनके सभी आयोजक मंडल से जुड़े हुए जितने पदाधिकारी थे, उन सबको हृदय से साधुवाद देता हूं। मैं एक बार फिर से आज के समारोह के अपने सभी अतिथियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं कि जो आज महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद से जुड़े हुए सभी संस्थानों से उपस्थित छात्र छात्राओं को आशीर्वाद देने के लिए आज यहां पर उपस्थित हुए महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापकों श्रद्धांजलि और अपना सम्मान व्यक्त किए हैं। इसके लिए उन सब के प्रति हृदय से उनके प्रति साधुवाद व्यक्त करते हुए, उन सबका हृदय से अभिनंदन करते हुए, आज जो बच्चे यहाँ पर अपना पुरस्कार प्राप्त करेंगे, जो संस्थाएं अपना पुरस्कार प्राप्त करेंगे, उन सबको भी बधाई देता हूं। क्योंकि बहुत सारे लोग अच्छा किए हैं और वास्तव में देखिए हम लोग तकनीक से जुड़ने में परहेज करते थे, लेकिन आज छोटे से छोटे बच्चे से भी आप पूछिए ना स्कूल नहीं जा रहे हो, और कहता नहीं स्कूल जा रहा हूं, स्कूल नहीं जा रहा हूं लेकिन मैं ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहा हूं। एक छोटा सा छोटा बच्चा भी इस बात को कहता है, यानी तकनीक से एक एक बच्चा जुड़ा है, लेकिन तकनीक से जुड़ते हुए भी हमारी दशा क्या होनी चाहिए, हम उस बच्चे को उसके अभिभावक उसके गुरुजन उसके आसपास का जो माहौल है जो प्रवेश है अगर वो चाहे तो तकनीक के साथ जोड़ करके एक सकारात्मक दिशा में उसे आगे बढ़ा सकता है। लेकिन अगर नकारात्मक शक्तियां उसे घेर लेंगी तो यही तकनीक उसके भविष्य को भी ले डूबेगी। इसलिए याद रखना तकनीक सकारात्मक दिशा में इसका बेहतर उपयोग लोक कल्याण के लिए समाज कल्याण के लिए हमें करना चाहिए, आगे बढ़ने के लिए करना चाहिए, हर प्रकार की चुनौतियों से जूझने के लिए। याद करिए अगर ये तकनीक नहीं होती क्या होता देश के अंदर का माहौल? इतनी बड़ी आबादी 135 करोड़ की आबादी क्या कोरोना जैसी महामारी से जूझ पाती, उसका मुकाबला कर पाती? और आप सबके लिए सौभाग्य का अवसर भी है कि प्रधानमंत्री जी ने तीनों जो वैक्सीन निर्माण की लगी हुई जो लेबोरेटरीज है उन सबका स्वयं निरीक्षण किया है, जनवरी तक वैक्सीन भी आ जाएगी। लेकिन
जब तक वैक्सीन आप तक नहीं पहुंचती है उतावला पर दिखाने की आवश्यकता नहीं, सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। जो सबसे पीछे एक बैनर लगा हुआ है कि 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी, हम इसका पालन जरूर करें, इसी में हम सबका हित है। मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर से महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के इस समारोह के मुख्य समारोह में, महाराणा प्रताप से संस्थापक समारोह सप्ताह समारोह के मुख्य समारोह में अपने सभी अतिथियों का हृदय से साधुवाद व्यक्त करते हुए, सभी छात्र छात्राओं को, संस्थाओं को हृदय से बधाई देते हुए आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।